हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज करणदीप सिंह एंड वेलकम इन द पंजाबी ट्यूटर। सो जिवें कि थंबनेल ते देखिया कि स्पीकिंग दे विचों बैन क्यों वैरी करते हर बार, तो वीडियो दे विच जे स्टूडेंट इहनूं पूरी वीडियो देखूगा तो उन्हें बहुत सारे अज क्वेश्चन अनलॉक होणगे। तो हो सकता ये वीडियो देखण तो बाद स्पीकिंग तुहाडा जो अटैम्प्ट करन जा रहे हो एग्जाम, इन ही तुहाडी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तुहानू फिर कदे लाइफ दे विच एग्जाम ना भरना पवे। ओके, सो टू द पॉइंट आपां गल करांगे इन मेन, ते मैं जो तुहानू ये वीडियो दे विच चीज़ दसनी आ, हार्डली हो सकदा कोई 1% आउट ऑफ 100 के तुहानू ये चीज़ पहला पता होवे, 99% चांस आ कि तुहानू ये चीज़ नहीं पता होगी। सो की हुंदा, मेरे को एक स्टूडेंट आया, स्टूडेंट तो मैं टॉपिक जो चली जाते थे वीकेंड्स ते, मैं वो इंट्रो वाले टॉपिक स्टार्ट किए एंड उन्हें बड़ी फ्लूएंसी दे नाल मैनू आंसर दते वीकेंड्स ते टॉपिक ते। अगला मैं उन्हें तो टॉपिक पूछा गिफ्ट, गिफ्ट ते बहुत ज़्यादा फ्लूएंट, बहुत नाइस वोकैबुलरी, बंच ऑफ आइडियाज। सो मैनू इदा लगा कि स्टूडेंट जो है एंड स्टूडेंट मेरे तो पूछ रहा कि सर मेरे बैंड स्कोर जब मैं इंट्रो तो तुम मैं दसना हो कितने लाई कर दिया, तो मैं उन्होंने कहा 6.5 बैंड स्कोर। तो उन्हें अपने मन से सोचा कि ठीक है मेरी स्पीकिंग 6.5 बैंड स्कोर वाली हैगी। नेक्स्ट डे स्टूडेंट मेरे को आया क्वेश्चन मिरर, फ्लूएंसी डाउन, आइडिया डाउन, वोकैब डाउन, नैक्सट टॉपिक रोबोट्स, अगेन उनके चेहरे के रंग उड़ गए, ना कोई आइडिया ना कोई थॉट, रुक रुक के आंसर। जो स्टूडेंट वीकेंड्स के 6.5 बैंड से वो मिरर के 5 बैंड, सर मेरा स्कोर कितना, मैं क्या 5 बैंड, इदा किवें सर 6.5 तो। मैं उन्होंने फिर उनका एक वहम दूर किया कि फ्लूएंसी ते स्पीकिंग तुहाडी जिहड़ी स्पीकिंग स्किल है, जो तुसीं कह रहे हो तुसीं ट्रेनर्स तो आपदे तो पुछदे हो, सेंटर तो पुछदे हो, किसी नूं कहिंदे हो कि मेरी स्पीकिंग 6.5 बैंड वाली है, तुहाडी स्पीकिंग 6.5 बैंड वाली आ, किहड़े टॉपिक दे विच, स्पीकिंग वेरीज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक विच इज़ गोइंग ऑन। यू मे गैट 6.5 बैंड वैन यू आर टॉकिंग अबाउट द वीकेंड्स, बट यू विल गैट 5 बैंड वैन यू आर टॉकिंग अबाउट द मिरर्स। आई होप कि एक लाइन ने तुहाडियां सारियां चीज़ां अनलॉक करती। तुसीं वीकेंड्स ते जदों बोलदे हो तुसीं कंफर्टेबल फील करदे हो, तुहाडे कोल आइडियाज़ आ, तुहाडे कोल वोकैब आ, निक्के हुंदे तो लैके अज तक वीकेंड्स टॉपिक तुसीं घसाया पिया अपनी लाइफ दे विच, तुसीं उच्चों 6.5 बैंड स्कोर वाले हो। पर इहदा मतलब यह नहीं कि तुसीं स्पीकिंग दे विचों 6.5 बैंड वाला लैवल आ तुहाडा, लैवल तुहाडा जदों भी मैं मिरर टॉपिक तुहाडे तो सुनिया वह 5 बैंड ते आ गया। इहदा मतलब स्पीकिंग दा फिक्स बैंड स्कोर किसी भी स्टूडेंट दा नहीं गा। एंड एक डार्क ट्रुथ दसा मैं तुहानूं, ना ही किसी ट्रेनर दा, कोई भी ट्रेनर दुनिया का एग्जाम देन जाए, हो सकता वो इस बार 7 बैंड आ गए, अगले 15 दिन बाद स्पीकिंग एग्जाम से मे बी वो ट्रेनर दे 8 बैंड आ, उदू 15 दिन बाद हो सकता उस ही ट्रेनर दे 6.5 बैंड। फैक्टर्स वैरी करते हैं बहुत, वी आर ऑल ह्यूमन्स एंड जो अपना माइंड आ एक कंफर्टेबल फील करता एक टॉपिक के उपर। जे किसी बंदे नू वीकेंड्स ते फाइनल दे विच कन्वर्सेशन चली जाती है, फ्रेंड्स ते चली जाती है, सोशल मीडिया ते चली जाती है, नैचुरल जी गल आ कि भावें उनकी स्पीकिंग स्किल इन्नी वधिया नहीं गी पर उनके विच कॉन्फिडेंट फील करदा, वो टॉपिक्स दे विच उहदी फ्लूएंसी है क्योंकि उन्हें बचपन तो सुने आ बहुत ज़्यादा, उहदे कोले उहदे रिलेटड आइडियाज़ आ, वोकैब आ, उन्हें 6.5 बैंड लिया आ। जदों 15 दिन बाद, 15 दिन नहीं 10 दिन बाद ही वो फिर एग्जाम च अपीयर होया, इस बार उन्हें जो सीगे टॉपिक वो रेनी डे ते चली जाते हैं, सीजनस ते चली जाते हैं, उसी बच्चे दे स्पीकिंग 5.5 बैंड है, क्योंकि फ्लूएंसी डिपेंड करती है कि टॉपिक केड़ा आया वा, तुहाडे आइडियाज़ तुहाडी वोकैब डिपेंड करती है कि तुहाडा टॉपिक केड़ा आया वा। जो टॉपिक दे विच तुसीं अपनी लाइफ च बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, फमिलियर आइडियाज़, वोकैबुलरी ये चीज़ां फील करते हो उत्थे तुहाडे बैंड आउंदे आ, जिहड़े टॉपिक दे नाल तुसीं फमिलियर इन्ने नहीं हैगे उत्थे तुहाडी स्पीकिंग जिन्नी मर्जी वधिया वा बट वो डाउन च जा सकदी है क्योंकि तुसीं टॉपिक दे विच अनकंफर्टेबल फील करते हो। एंड इत्थे मैं तुहानूं एक दसां कि जे मैं तुहाडे तों हुणी एक क्वेश्चन पूछा वीकेंड्स ते, दैट हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स, तुहाडा आंसर ज़्यादा फ्लूएंट होगा, तुहानूं सोचने की लोड़ नहीं पैनी, कोई तुहाडे ब्रेन च ट्रांसलेशन बैरीयर नहीं चल रहा, फ्रीली तुसीं इहदा आंसर दोगे। एंड जदों मैं तुहाडे तों ये आंसर पूछा डू यू थिंक दैट रोबोट्स
विल चेंज सोसाइटी सिग्निफिकेंटली एंड एक गल इमानदारी नाल कमेंट दे विच तुसीं टाइप करियो कि सर साडे आंसर देण दे तरीके जमीन आसमान का फर्क होगा, फ्लूएंसी वोकैब आइडिया सारा कुछ गड़बड़ाया ना साडे ब्रेन दे विच, क्यों? क्योंकि तुसीं कंफर्टेबल फील करदे हो वीकेंड्स ते बोलना, नॉट ऑन द रोबोट्स। टिप, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, सिंगल स्ट्रैटेजी टू गैट 7.5 बैंड इन स्पीकिंग। बी फमिलियर विद ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स के नाल फमिलियर होना ही स्पीकिंग दे विचो 7 बैंड तक लेके आता कि देखो कि टोटल किन्ने टॉपिक आ, उन्हें टिक लाओ जिन्हों में मैं कंफर्टेबल फील करता, उन्होंने क्रॉस लाओ जिन्हों चो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। यानी कि जो रोबोट्स से गल तुरदी आ तो मेरे को आइडिया है नहीं, थॉट है नहीं, मैं जीरो हो जाता, उदो मिरर्स से मेरे कोई खास लैवल की चीज़ है नहीं। तो उन्होंने टिक लाओ, उन्होंने उन्होंने रिसर्च करो थोड़ी जी, उन्होंने रिलेटिड आइडियाज वोकैब जनरेट करो ताकि वीकेंड्स से मिरर ये दोनों टॉपिक्स में वेटेज इको जी मिल जाए, तो ब्रेन दोनों में इक्वली कंफर्टेबल फील करे, फिर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम्हारी स्पीकिंग हूँ 6.5 बैंड वाली आ, नो मैटर विच टॉपिक इज गोइंग ऑन। फिर तो सब तो वड्डी गल ये होंदी है कि स्टूडेंट्स जेडे कम चलाऊ स्टूडेंट आ जिन्हों इदा कि बस उत्थे जिहड़ा कम चलाऊ वर्ड नूं मैं 5.5 बैंड कहना हुंदा, कम चलाऊ वर्ड दे नाल भी 6 बैंड नहीं उत्थे हुंदे, 5.5 बैंड। मैं तुहाडे तों क्वेश्चन पुछ रहा कि तुसीं किहड़ी चीज़ चैक करदे हो जो तुसीं शू खरीदते हो, वो चीज़ का नाम हैगा वा उनकी क्वालिटी ते उनका प्राइस। ओके जी, स्टूडेंट नूं मैं क्वेश्चन पूछा कि जे तुसीं मिरर खरीदन जाते हो तुसीं किहड़ी चीज़ चैक करदे हो, मैं क्वालिटी चैक करदा, मैं प्राइस चैक करदा। एग्जामिनर तुहाडे तों पुछूगा कि तुसीं जी बैग खरीदन जाते हो किहड़ी चीज़ चैक करदे हो, क्वालिटी प्राइस। इहदा मतलब तुसीं कम चलाऊ वर्ड दो चक के कॉमनली जो चीज़ आ गई उहदे ते फिट कर दो। इहदे नाल इत्तों इह शो हो जांदा कि जस्ट तुहाडे कोल आइडियाज़ इन्ने खास है नहीं गे, तुसीं इन्ना फमिलियर है नहीं गा, ये तुहाडा जस्ट कम चलाऊ ये चीज़। हुण एक स्टूडेंट वो जिहदे कोल वोकैब बहुत वधिया, आइडियाज़ बहुत वधिया, उत्तों पूछा जा रहा है कि जब तुसीं शू खरीदन जाते हो तुसीं किहड़ी चीज़ चैक करदे हो, वो कह रहा है कि मैं चैक करदा कि उहदी ड्यूरेबिलिटी किन्नी का, उन्हें एक वर्ड बोला ड्यूरेबिलिटी, हालांकि वो भी क्वालिटी एंड प्राइज़ वो भी कहूगा बट वो ड्यूरेबिलिटी। तुसीं कार खरीदन जा रहे हो, कार की ड्यूरेबिलिटी नहीं होंगी, कार दियाँ होर चीज़ा कहूगा। मिरर खरीदन चलिया हो मिरर से वो प्राइस एंड क्वालिटी नहीं कहूगा जी, मिरर तो कहूगा कि मैं उनकी रिफलैक्शन चैक करता। हूँ जो नवे वर्ड इंट्रोड्यूस करवा रहा वा बाकिया तो हट के, रिफलैक्शन ड्यूरेबिलिटी ये चीज़ा उदों ही करवा रहा जे उनकी वो टॉपिक्स तो उपर रिसर्च की है, एंड वो स्टूडेंट 7 बैंड स्कोर डिजर्व करता तो उनके आने भी, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स नाल फमिलियर आ, उन्हें रिसर्च की है। ओके जी, कई स्टूडेंट में इदा लगता होंदा कि इंट्रो दे टॉपिक आ सानू कोई चक्कर नहीं, तो असीं निक्के निक्के आंसर देने होंदे, मैटर करदा है ये चीज़। इस तरह ही फॉलो अप दे क्वेश्चन, स्पीकिंग दा सिर्फ ओनली वन इहदा फॉर्मूला, बी फमिलियर विद ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स दे नाल फमिलियर होवो, यही इहदा फॉर्मूला वा। तुहाडी स्पीकिंग दे बैंड स्कोर डेली वैरी करनगे, अज मैं तुहाडी स्पीकिंग लै रहा, तुहाडे बैंड 6 आ, कल मैं तुहाडी स्पीकिंग लऊंगा हो सकदा तुहाडे बैंड आ जो 5.5 हो, परसों शायद 6.5 हो। वैरी किंदे ते कीता, विच टॉपिक इज गोइंग ऑन, टॉपिक केड़ा चल रहा जी। तां करके हमेशा आपदे ट्रेनर तो आपदे सेंटर तो जां खुद तो एक कदे ना पुछया करो कि मेरे स्पीकिंग चो बैंड स्कोर फिक्स किन्ने आ, फिक्स तां एग्जिस्ट ही नहीं करते जी। ओके जी, कदे चीज़ तो जोर दे के देखियो कि तुसीं वीकेंड्स ते रोबोट्स दे विच इक्को जिहा फील करदे हो, जे इक्को जिहा फील करदे हो तुसीं कह सकदे हो मेरे बैंड स्कोर सर फिक्स है जी, अदरवाइज बैंड्स वैरी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। सो अज संडे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ बनावा ते आने वाले समय चो डेली वीडियोज़ आन, वैसे मैं कह दिंदा बट वो चीज़ हुंदी नहीं गी पूरी, बट मैं कोशिश करूँगा। ओके, सो आई होप के निक्की चीज़ ने तुहाडी स्पीकिंग चो तैयारी किवें करनी आ वो तुहानू गाइड कीता कि ये वीडियो नू शेयर करो, कोई फॉर्मूला नहीं स्पीकिंग का, जस्ट ओनली वन ट्रिक का। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।